हेलो स्टूडेंट, आई एम अनिल कुमार एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल उज्ज्वल उन्नति। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न एम सी क्यू ऑफ द टॉपिक वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, हॉर्नबिल, क्लास 11, चैप्टर 2। इफ़ यू आर न्यू व्यूअर ऑन दिस चैनल, सब्सक्राइब चैनल, लेट अस स्टार्ट। Why did the author decide to go for the round the world voyage? लेखक ने decide क्यों किया, निश्चय क्यों किया to go round the world, संसार की परिक्रमा करने का, voyage समुद्री यात्रा के द्वारा, एक समुद्री यात्रा के द्वारा समुद्री यात्रा करने का विश्व की लेखक ने निश्चय क्यों किया। To duplicate the voyage made by the captain James Cook, वह James Cook जो कैप्टन जेम कुक्स था उसकी समुद्री यात्रा को डुप्लीकेट करना चाहता था, दोहराना चाहता था। टू सी द वर्ल्ड, संसार को देखना चाहता था। टू ट्रेड विद अदर कंट्रीज, दूसरे देशों से व्यापार करना चाहता था। नन ऑफ दीज, द ऑथर डिसाइडेड टू गो फॉर द राउंड द वर्ल्ड वोयाज बिकॉज ही वांटेड टू डुप्लीकेट द वोयाज मेड बाई कैप्टन जेम्स कुक। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, विच इज द वर्ल्ड वन ऑफ द रफेस्ट सी अकॉर्डिंग टू द लेसन। लेसन के अनुसार, टॉपिक के अनुसार, विच इज द रफेस्ट, सबसे खराब सी कौन सा था वर्ल्ड का। द साउदर्न इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, कैस्पियन सी। द वर्ल्ड्स बर्न्स ऑफ द रफेस्ट सी अकॉर्डिंग टू द लेसन इज द साउदर्न इंडियन ओशियन। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, साउदर्न इंडियन ओशियन। नेक्स्ट, हाउ मैनी इनहेबिटेंट्स वर देयर ऑन द आइल एस्टरडम। आइल एस्टरडम में कितने इनहेबिटेंट्स थे अकॉर्डिंग टू टॉपिक। 28, 25, 26, 23। देयर वर इनहेबिटेंट्स 28। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट वाज द डिस्टेंस that they covered during their first leg of their 3 years planet journey। narrator ने अपने first leg of 3 years planet journey, अपनी यात्रा के 3 वर्षों के प्रथम चरण में कितनी यात्रा, कितनी डिस्टेंस उसने कवर की। ए 150,000 किलोमीटर, 1,05,000 किलोमीटर, 65 किलोमीटर्स। इन फर्स्ट लेग ऑफ देयर 3 ईयर्स प्लानिट जर्नी दे कवर्ड 1,05,000 किलोमीटर। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट पार्ट ऑफ जर्नी वाज प्लीजेंट फॉर देम। जर्नी का कौन सा भाग उनके लिए प्लीजेंट था, सुखद था। द फर्स्ट लेग फ्रॉम इंग्लैंड टू कैपटाउन, प्रथम चरण जो इंग्लैंड से कैपटाउन था। लास्ट पार्ट ऑफ जर्नी, जर्नी का अंतिम पार्ट, फर्स्ट फ्यू मंथ्स, जीवन के कुछ महीने, यात्रा के कुछ महीने, नन इनमें से कोई नहीं। द फर्स्ट लेग फ्रॉम इंग्लैंड टू कैपटाउन वाज प्लीजेंट फॉर देम, जर्नी का प्लीजेंट पार्ट था। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट वर द नेम्स ऑफ द टू क्रूमैन हुम द ऑथर हायर्ड। उन दो नाविकों के क्या नाम थे जिसे लेखक ने हायर्ड किया, किराए पर लिया। सैली एंड गॉर्डन, लेरी विजिल एंड हर्ब सेगलर, हर्ब सेगलर एंड सैली कूपर,
लेरी विजिल एंड एडम मोर। देवर लेरी विजिल एंड हर्ब सेगलर। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाई डिड द ऑथर हायर्ड टू क्रूमैन। लेखक ने दो क्रूमैन को हायर्ड क्यों किया। टू टेक रेस्ट, आराम के लिए, विश्राम के लिए। टू हेल्प टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, द साउदर्न इंडियन एशिया। साउदर्न इंडियन एशिया जो वर्ल्ड का सबसे रफेस्ट सी था, उसमें हेल्प करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए। बिकॉज ही कुड नो लॉन्गर सेल द शिप, क्योंकि वह सेल नहीं कर सकता था लंबे समय तक शिप पर। ही वॉन्टेड टू स्पेंड सम टाइम विद हिज फैमिली, क्योंकि वह कुछ समय वह अपने परिवार के साथ स्पेंड करना चाहता था। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। टू हेल्प टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द साउदर्न इंडियन ओशियन। सो ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, व्हेन डिड द वेव्स स्टार्ट गेटिंग जिग जेनेटिक। जो वेव्स थी कब जिग जेनेटिक हो गई, प्रबल हो गई। दिसंबर टू, जनवरी टू, दिसंबर टू, जनवरी टू, नवंबर टू, दिसंबर थ्री। द वेव्स स्टार्टिंग गेटिंग जिग जेनेटिक ऑन 2 जनवरी। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट डिड दे डू टू स्लो डाउन द बोट इन द स्ट्रॉम। तूफान में नाव को धीमा करने के लिए उन्होंने क्या किया, स्लो डाउन करने के लिए क्या किया। स्टॉप्ड सेलिंग, तैरना रोक दिया। ड्रॉप द स्ट्रॉम जिब, लेस्ट ए हैवी मूरिंग रॉप। ड्रॉप द स्ट्रॉम जिब, स्ट्रॉम जिब का प्रयोग किया। एंड लेस्ड, बांध दिया ए हैवी मूरिंग रॉप एक मजबूत रस्से से। जस्ट ड्रॉप द स्ट्रॉम जिप, स्ट्रॉम जिप का प्रयोग किया। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ड्रॉप द स्ट्रॉम जिप एंड लेस्ड ए हैवी मूरिंग रॉप। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ डिजास्टर। डिजास्टर आपदा का प्रथम इंडिकेशन संकेत क्या था। अराउंड 6 PM व्हेन विंड्स ड्रॉप्ड एंड स्काई ग्रू डार्कर। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द शिप स्टार्टेड क्रैकिंग। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। व्हेन विंड स्टार्टेड स्ट्रॉन्ग। अराउंड 6 PM व्हेन विंड्स ड्रॉप्ड एंड स्काई ग्रू डार्कर। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड आफ्टर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द डिजास्टर। डिजास्टर के पहले संकेत के बाद क्या घटित हुआ। ए वेव ओपन्ड वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स। इट ब्रोक द शिप फ्रॉम इनसाइड। द शिप टर्न्ड अपसाइड डाउन। इट डिड नॉट अफेक्ट द शिप। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ए वेव अपीयर्ड, एक तरंग दिखाई दी, वर्टिकल लंबत एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ अदर वेव्स, और लगभग दूसरी वेव से दुगनी हाइट की थी। ऐसी वेव, ऐसी तरंग उनको दिखाई दी। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ डिड द एक्सप्लोजन अफेक्ट द शिप। विस्फोट ने किस प्रकार जहाज को प्रभावित किया। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। द शिप स्टार्टेड सिंकिंग। द शिप टर्न अपसाइड डाउन। नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर, हरे और सफेद रंग का जल ब्रोक ओवर द शिप, जहाज पर फैलने लगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट।
वाई डिड द ऑथर एक्सेप्ट हिज अप्रोचिंग डेथ, लेखक ने क्यों एक्सेप्ट किया आने वाली मौत को। पिरेट्स एंड अटैच द शिप बिकॉज ही वॉज इंजर्ड बाई द एक्सप्लोजन, क्योंकि वह एक्सप्लोजन से विस्फोट से घायल हो चुका था। ही वॉज थ्रोन इन द सी, वह समुद्र में डूब रहा था। ही वॉज स्टेबल्ड और वह स्थिर था। सो ऑप्शन बी विल बी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ही वॉज थ्रोन इन द सी, वह समुद्र में डूबने वाला था। नेक्स्ट, व्हाट डिड द ऑथर सी व्हेन हिज हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, लेखक ने क्या देखा जब उसका सिर पॉप्ड आउट हुआ वाटर से बाहर निकला। द शिप वॉज सिंकिंग, जहाज डूब रहा था। द शिप वॉज नोवेयर टू बी सीन, कहीं भी जहाज को नहीं देखा जा सका। द शिप वॉज नियर द कैप्साइजिंग हर मस्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, जो शिप था वो विनाश के कगार पर था और उसका मस्त जो था, मस्तूल जो था, हॉरिजेंटल था। इट वॉज स्टिल स्टैंडिंग, यह अभी तक खड़ा था। ऑथर सी व्हेन हिज हेड पॉप्ड आउट द वाटर, द शिप वॉज नियर कैप्साइजिंग हर मस्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। हु सेड वी आर सिंकिंग, किसने कहा हम सिंक कर रहे हैं, डूब रहे हैं। लेरी, बी मैरी, सी सुजैन, डी जोनाथन। मैरी सेड वी आर सिंकिंग, वाइफ ऑफ नरेटर। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। व्हाट वॉज द नेम ऑफ द शिप ऑफ द ऑथर, नरेटर जो ऑथर है उसके शिप का क्या नाम था। वेव स्लीपर, वेव वॉकर, वेव शिप टाइटैनिक। द नेम ऑफ द शिप ऑफ द ऑथर वॉज वेव वॉकर। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। व्हाट वॉज द कंडीशन ऑफ द शिप, शिप की क्या कंडीशन थी। ब्रोकर, टिम्बर्स, स्टारबोर्ड साइड बुगल्ड, इनवर्ड्स, क्लॉथ्स, कॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज, स्लॉस्ट। देयर पर्सनल बिलोंगिंग्स वर मिसिंग, वाटर फिल्ड इन एवरी रूम एंड देयर क्लॉथ्स वर मिसिंग, नन ऑफ दीज। द कंडीशन ऑफ द शिप वाज ब्रोकर टिम्बर्स, स्टारबोर्ड साइड बुगल्ड, इनवर्ड क्लॉथ्स कॉकरी, चार्ट्स टिन एंड टॉयज स्लॉप। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। व्हाट हैड हैपन टू द सू, सुजैन को क्या हुआ। व्हेन द ऑथर एंटर्ड देयर रूम, जब बच्चों के कमरे में नरेटर ने प्रवेश किया, ऑथर ने प्रवेश किया, टू चेक देम, उनको जांचने के लिए, देखने के लिए। हर हेड गोट हर्ट, उसके सिर में चोट लगी थी। देयर वाज ए बम्प, वहाँ एक घूमर था। सी वाज अनकंसियस, बेहोश थी। हर लेग हर्ट, उसकी टांगों को चोट लगी थी। सी वाज फाइन, वह ठीक थी। अकॉर्डिंग टू द टॉपिक हर हेड गोट हर्ट एंड देयर वाज ए बम्प। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट वॉज द एज ऑफ सुजैन एंड जेनेथन, जेनेथन और सुजैन की क्या आयु थी। 8 एंड 9 ईयर्स, 7 एंड 6 ईयर्स, 6 एंड 7 ईयर्स, डी 4 एंड 6 ईयर। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। सुजैन वाज 7 ईयर्स ओल्ड एंड जोनाथन वाज 6 ईयर ओल्ड। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑथर, लेखक का क्या विशेषता
ऑक्यूपेशन था, पेशा था, व्यवसाय था। ए बिजनेसमैन, बी सेलर, सी टीचर, डी डॉक्टर। द ऑथर वाज ए बिजनेसमैन। ही वाज 37 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। मैरी वाज हिज वाइफ, जोनाथन वाज हिज सन एंड सुजैन वाज हर हिज डॉटर। व्हाट हैपन्ड आफ्टर द हैंडपम्प्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप। जब हैंडपम्प ब्लॉक हो गए, बंद हो गए। डेवर्ट फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स। तो क्या घटित हुआ? द ऑथर कनेक्टेड एन इलेक्ट्रिक पंप टू एन आउट पाइप बाई टेकिंग आउट द वाटर विद द हेल्प ऑफ बुकेट बाई रिपेयरिंग हैंडपम्प। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। द ऑथर कनेक्टेड एन इलेक्ट्रिक पंप टू एन आउट पाइप। बाहर के पाइप से लेखक ने एक इलेक्ट्रिक पंप को कनेक्ट किया। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, वेयर डिड दे डिसाइड टू रीच टू सेव देम सेल्व्स एंड द शिप। शिप और अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने क्या निश्चय किया, कहाँ पहुँचना उचित समझा? ऑस्ट्रेलिया, एल एम्स्टर्डम, डी मुंबई इंडिया, डी जापान। दे डिसाइडेड टू रीच टू सेव देम सेल्फ एंड शिप टू एल एम्स्टर्डम। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। व्हाट वॉज द देयर फर्स्ट मील इन टू डेज। 2 दिनों की यात्रा के बाद उनका पहला मील क्या था, भोजन क्या था, क्या खाया उन्होंने? मीट लॉप्स, ब्रेड एंड मिल्क, नूडल्स, कॉर्नेड ब्रीफ एंड क्रेकर बिस्किट्स। दे एट कॉर्नेड बीफ एंड क्रेकर बिस्किट्स, भुना मांस और कुरकुरे बिस्किट। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। हु सेड वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, स्यू एंड आई। ये बात किसने कही कि यदि हम साथ साथ हैं तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है? किससे? मौत से। जोनेथन, लैरी, विजिल, सुजैन। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। जोनेथन, सन ऑफ नैरेटर। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, व्हेन डिड दे रीच एल एम्स्टर्डम। एल्स एम्स्टर्डम वे कब पहुँचे? अराउंड 6 PM, अराउंड 6 AM, एट 11 इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, डी नेवर। दे रीच्ड एट 6 PM, अराउंड 6 PM, लगभग 6 बजे साई के। नेक्स्ट, व्हाट वॉज द स्टेटस ऑफ द शिप इन जनवरी 3। जनवरी 3 में शिप का क्या स्टेटस था? पंप्स हैड द वाटर लेवल सफिशियंट अंडर कंट्रोल। कंडीशन वॉज गेटिंग वर्स। दे वर स्टिल स्ट्रगलिंग टू कंट्रोल द पंप्स। एवरीथिंग वॉज जस्ट राइट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। पंप्स हैड द वाटर लेवल सफिशियंटली अंडर द कंट्रोल। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग डिड दे टेक फॉर द शिप्स टेस्टिंग एंड फिटिंग। शिप की टेस्टिंग और फिटिंग में उन्होंने कितना समय लिया? मंथ्स, डेज, ईयर्स, वीक्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट, मंथ्स। वेयर हैड दे रीच्ड ऑन 25 दिसंबर, क्रिसमस के दिन, न्यू ईयर के दिन वे कहाँ पहुँचे? 25 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज ए क्रिसमस एंड न्यू ईयर्स डे इन क्रिश्चियन रिलीजन।
3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द केप टाउन, एल्स एम्स्टर्डम 2,500 किलोमीटर्स फ्रॉम केप टाउन रीच्ड केप टाउन। दे रीच्ड ऑन 25 दिसंबर क्रिसमस डे, 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्ड व्हेन द ऑथर हैड स्मैश्ड इन टू द व्हील। जब नरेटर का लेखक का सिर व्हील से टकराया क्या घटित हुआ। ही वॉज हर्ट बट स्टडी। उसको चोट लगी लेकिन वो स्टडी था। ही फ्लू ओवर बोर्ड सिंकिंग बिलो द वेव्स। ही वॉज नॉट हर्ट, ही गॉन कंफर्ट। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ही फ्लू ओवर बोर्ड सिंकिंग बिलो द वेव्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैरी डे कॉल्स। मैरी डे कॉल्स का क्या मीनिंग है। कॉल मेड इन द मंथ ऑफ मई, मई के महीने में की जाने वाली कॉल। डिस्ट्रेस कॉल फॉर हेल्प, परेशानी में सहायता के लिए की जाने वाली कॉल। कॉल टू बी ए फ्रेंड, मित्र को की जाने वाला संदेश। नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। डिस्ट्रेस कॉल फॉर हेल्प, सहायता, परेशानी में सहायता के लिए एक संदेश, मैसेज। नेक्स्ट, इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड 30 MCQ। दीज MCQs आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इफ वीडियो इज यूजफुल टू लर्न, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो इन योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। एंड इफ यू आर न्यू व्यूअर ऑन दिस चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।